नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक यादव वंशी और आप देख रहे हैं स्टडी अड एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहां पे रोज सुबह करेंट अफेयर्स और रोज शाम को जनरल नॉलेज की वीडियो लेके आते हैं, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज डेट है 22 अप्रैल 2020। तो शुरू करेंगे आज के करेंट अफेयर्स के साथ। उससे पहले बता दें कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था, राष्ट्रीय लहसुन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 19 अप्रैल और ऑप्शन डी 21 अप्रैल। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन सी 19 अप्रैल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का। हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऑप्शन डी है खेल मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी ऑप्शन, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार बोलते हैं इसको, जो कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और इसका फाउंडेशन 2 जुलाई 1992 को हुआ था। इसके ऑफिस होल्डर हैं आरके सिंह, जिनका पूरा नाम है राजकुमार सिंह। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का। सेकंड क्वेश्चन है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बनाया गया है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बनाया गया है। तो ये ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड नैनीताल जिला। उत्तराखंड के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर यहाँ के बेबी रानी मौर्या और उत्तराखंड का कैपिटल जो है देहरादून है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है इसरो अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन बी है डीआरडीओ अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन सी है नासा अंतरिक्ष एजेंसी और ऑप्शन डी है इसा अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन सी नासा अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो नासा जो है फेडरल एजेंसी है, जिसको हिंदी में संघीय संस्था कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसका फाउंडेशन 29 जुलाई 1958 यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। इसका एडमिनिस्टर जिम ब्रिडेनस्टाइन है। ये चीज को याद रखिएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है नासा का और इसका फाउंडेशन 19 जुलाई 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पड़ोसी देश से स्वचालित निवेश रोकने के लिए किसने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में संशोधन किया है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है रेल मंत्रालय और ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केंद्र सरकार। और यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि एफडीआई है क्या। एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि पहले किसी भारतीय कंपनी में कोई विदेशी कंपनी सिर्फ 26% तक का निवेश कर सकती थी, लेकिन बीमा में मंजूरी मिलने के बाद भारतीय कंपनी में कोई विदेशी कंपनी 49% तक का निवेश कर सकेगी। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पहले 26% तक का निवेश कर सकती थी, लेकिन अब कोई भी विदेशी कंपनी 49% तक का निवेश कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन, जिसको चाइना भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं। ये जो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के करेंसी जो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का सिक्स्थ क्वेश्चन। किस देश ने अपने यात्रियों को एयरलाइन के विमान पर चढ़ने की अनुमति देने से पहले रैपिड रक्त परीक्षण करने का शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है रैपिड रक्त परीक्षण। तो ये रैपिड रक्त परीक्षण होता क्यों है? तो कोरोना वायरस आज जानते हैं कि बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इस चीज को रोकने के लिए रैपिड रक्त परीक्षण हो रहा है ताकि पता चल सके कि किन किन लोगों में कोरोना वायरस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात है। तो चलिए देख लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ फैक्ट। संयुक्त अरब अमीरात को यूनाइटेड अरब अमीरात भी बोलते हैं, जिसका हिंदी नाम है संयुक्त अरब अमीरात। और ये जो कंट्री है मिडिल ईस्ट में है और इसका कैपिटल है, संयुक्त अरब अमीरात का कैपिटल अबू धाबी है और करेंसी इसका धीरम है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय ने निजी व्यक्तियों को किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने से बचने के लिए सलाह जारी किया है? ऑप्शन ए है जूम ऐप, ऑप्शन बी है गो टू मीटिंग, ऑप्शन सी है स्काइप और ऑप्शन डी है ब्लू सेंस ऐप। तो इसका करेक्ट आंसर है जूम ऐप। देखिए जूम ऐप का लोगो दिया गया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जूम ऐप को लोगो दिखाया है। और जूम ऐप के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि जूम ऐप प्रोवाइड्स वीडियो टेलीफोनी एंड ऑनलाइन चैट सर्विसेज, मतलब कि ये वीडियो टेलीफोनी प्रोवाइड करता है और ऑनलाइन चैट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसका फाउंडेशन अप्रैल 21 को 2011 में हुआ था, जो कि आज से 9 साल पहले हुआ था। तो 21 अप्रैल 2011 को इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके फाउंडर है इरिक युवान और इसका हेडक्वार्टर है सैन जोस, जो कि कैलिफोर्निया US में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का एट्थ क्वेश्चन। किस भारतीय मंत्रालय ने सार्क देशों के स्वास्थ्य देखभाल परिवेश के लिए COVID-19 परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन ए है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन डी है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी। यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है सार्क। ये सार्क क्या है इसको जान लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके मेंबर कौन कौन है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हमारा इंडिया भी है। तो इसके मेंबर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका फाउंडेशन सार्क का फाउंडेशन 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। ये भी आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। करेंसी अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। ब्रिटेन की किस कंपनी को टीवीएस मोटर ने खरीद लिया है? ब्रिटेन की किस कंपनी को? तो ऑप्शन ए है नॉर्टन, ऑप्शन बी टेस्को, ऑप्शन सी यूनिलीवर और ऑप्शन डी HSBC होल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए नॉर्टन है, जो कि ये विदेश की कंपनी है और हमारी इंडिया की कंपनी टीवीएस मोटर्स ने खरीद ली है। और ये जो टीवीएस मोटर, ये इंडिया की कंपनी है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। TVS मोटर कंपनी इज़ अ इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल कंपनी। ये जो है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि एक मोटरसाइकिल कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके CEO KN राधाकृष्णन है, जो कि अगस्त 2008 से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते किसने भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मैटरहॉर्न पर्वत पर 1000 मीटर तिरंगा उकेरा है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात जिसको UAE भी बोलते हैं और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट जो आंसर है स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न पर्वत है, इसको भी याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न पर्वत है जो कि भारत का तिरंगा 1000 मीटर का तिरंगा फहराया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर दिखा दिया है, ये स्विट्जरलैंड का मैप है और ये जो तिरंगा फहराया हुआ है मैटरहॉर्न पर्वत पे, तो उस चीज़ को मैंने दिखाया हुआ है। स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये स्विट्जरलैंड का मैप है। स्विट्जरलैंड जो कंट्री है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है और इसका कैपिटल बर्न है।
और इसका स्विट्जरलैंड का करेंसी जो है स्विस फ्रांस है, और पॉपुलेशन यहाँ की 85.7 लाख, 85.7 लाख, ये 2019 की डेटा है। इसका स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन, रोमांच और इटालियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, अप्रैल को पूरे विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड अर्थ डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेरिटेज डे और ऑप्शन डी नेशनल पंचायती राज डे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे है। अप्रैल को पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल और ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड ऑप्शन डी 22 अप्रैल। आज डेट है 22 अप्रैल, आज ही के दिन वर्ल्ड अर्थ डे है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिना छूट के लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ा दिया है? जैसे दोस्तों हमको पता है कि नरेंद्र मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मई तक के लिए, 3 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, लेकिन कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि 7 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और इसका आंसर हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आप हमारे वीडियो, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को डेली करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की वीडियो के लिए, और थंब बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टडी अड्डा एजुकेशन बाय विवेक यादव वंशी।